हाँ, नन्ही सी आराध्या अब नन्ही नहीं, काफी बड़ी हो चुकी हैं। यकीनन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच यही है। आराध्या बच्चन काफी बड़ी हो चुकी है और आराध्या बच्चन अपने आप को पूरी तरह से अपनी मॉम की ही तरह इंडस्ट्री में फिट बैठाने के लिए एक्टिव कर चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा था आराध्या की बुआ श्वेता ने कि जितने एक्टिव इस उम्र में आराध्या है, उतने एक्टिव उनके बच्चे अगस्त्य और नव्या में नहीं थे। कारण ये है कि ऐश्वर्या ने ऐसी परवरिश की है आराध्या की कि वैसी परवरिश तो श्वेता भी अपने बच्चों की नहीं कर पाई। लाजवाब है आराध्या की परवरिश में ऐश्वर्या राय बच्चन का क्रेडिट श्रेय जाना। ऐसे में आपको बता दें कि अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन की परवरिश की वजह से आराध्या बच्चन इस उम्र में ही इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी खुद को उन्होंने तैयार कर लिया है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बच्चन परिवार की लाडली बिग बी की प्यारी सी गुड़िया अब इतनी बड़ी हो गई है कि ले रही है वो जिम्मेदारी ऐश्वर्या और वृंदा राय यानी अपनी माँ और नानी की। वेल वेल वेल, सच सुना है आपने, अपनी नानी वृंदा राय को खुश करने के लिए हमेशा उनके साथ वक्त गुजारने वाली आराध्या बच्चन अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर चुकी है अपने कंधे पर लेकर। और वो जिम्मेदारी कौन सी है आपको हम बताना चाहेंगे। वो जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या के उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है जो कि कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर को लेकर वो हर साल ऑर्गेनाइज करती है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या की बेटी और आराध्या बच्चन के कुछ बेहद खूबसूरत कारनामे की करेंगे हम बात। ये तो आपको पता ही होगा कि साल 2017 में मार्च के महीने में कृष्णराज राय ऐश्वर्या के स्वर्गीय पिता जब स्वर्गवास हो गए थे तो कैंसर से वो जूझ रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें बीमारी झेलनी पड़ी, जिसके बाद उनके गुजर जाने से ऐश्वर्या को इतना बड़ा गहरा सदमा लगा था कि उसकी चोट उनके दिल में हमेशा रही। पिता को खो देने का गम वो सालों बर्दाश्त करती रही, तब उनकी आंखों में आंसू देखकर उनकी बेटी आराध्या बड़ी होती चली गई। मैच्योरिटी उन्होंने दिखाते हुए अपनी माँ के साथ हर उस इवेंट में जाने का फैसला लिया जो कि खासकर ऐश्वर्या अपने पिता गुजरे हुए पिता के नाम पर करती आई है। स्माइल फाउंडेशन दिवस, आपको पता ही होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्माइल फाउंडेशन दिवस के नाम से अपने पिता के बर्थ डे को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया था। इस मौके पर वो काफ़ी कुछ ऐसा करती हैं जिसमें ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी शामिल होती है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट के वेलफेयर के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराकर ऐश्वर्या राय बच्चन ने जब अपनी मां वृंदा के साथ पिता के लिए कुछ करना चाहा तो ये जिम्मेदारी भी आराध्या ने अपनी माँ ऐश्वर्या के हाथों से थोड़ी सी ले ली। तो कैसे आराध्या ने ये जिम्मेदारी लेकर बच्चन परिवार का नाम और रोशन किया है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन अपनी सास वृंदा राय का जिस तरह ख्याल रखते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। अभिषेक ने सही कहा था, अपनी स्टडीज छोड़कर, आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर वो जब लौटे थे इंडिया अपने पिता बीमार पिता का ख्याल रखने के लिए घर पर, तब वो नहीं सोचे थे कि वो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। उन्होंने अपनी स्टडीज़ फॉरेन में कंप्लीट कर इंडिया लौटने का ख्याल नहीं बनाया, लेकिन माँ बाप की मुश्किल घड़ी में साथ देना उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता बनी, जिससे वो सबसे अच्छे बेटे बने। और आज भी ट्रॉलर्स जब उन्हें कहते हैं टल्सा में इस उम्र में भी अपने माँ बाप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है अभिषेक, तो अभिषेक को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अभिषेक बच्चन लोगों के ट्रोल का जवाब देते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपने माँ बाप की सेवा करने का इस उम्र में मौका मिल रहा है और मैं अपने माँ बाप के घर पर रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनकी उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बेटे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सोचेंगे नहीं कि उनका बेटा कहाँ है,
हमेशा वो उनके साथ खड़े रहना चाहेंगे। क्या आपको मालूम है वो अभिषेक अपनी सास वृंदा के साथ भी ऐसे ही हैं। भीड़ में जब वृंदा राय काफ़ी परेशान थी, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी नातिन आराध्या के परफॉर्मेंस को देखने के लिए जब वृंदा पहुंची तो वहां भीड़ में वृंदा काफ़ी ज़्यादा असहज हो गई थी। उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तब अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ बेटे की तरह अभिषेक बच्चन ने सास वृंदा राय का ख्याल रखा। उन्हें पकड़कर भीड़ से उन्हें प्रोटेक्ट करते वो नजर आए। अपनी फैमिली के साथ अपनी पत्नी के अनबन की खबरों से वाकिफ होने के बावजूद, अफवाहें उड़ने के बावजूद, अभिषेक ने अपनी पत्नी और पत्नी की माँ का जिस तरह देखभाल किया है, ये उन्हें सबसे बेटर हस्बैंड साबित करता है। आज ये साबित हो चुका है कि अभिषेक बच्चन को क्यों ऐश्वर्या ने कहा कि इस दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट हस्बैंड अगर कोई है तो वो अभिषेक है। अभिषेक से बेटर उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अभिषेक उनकी ज़िंदगी में आए, इससे अच्छी बात उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ था। अभिषेक और ऐश्वर्या में बेटी आराध्या को लेकर ज़रूर आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते रहे हैं, लेकिन कभी इनके जहन में एक दूसरे से जुदा होने का ख्याल नहीं आया। लोगों के बीच अफवाहें ज़रूर उड़ती हैं, लेकिन अभिषेक अपने परिवार में अपनी माँ को जितना महत्व देते हैं, उतना ही अपनी सासू माँ वृंदा को भी महत्व देते हैं, जो कि वाकई में उनका दिल छूने लेने वाला अवतार। ऐसा पहली बार नहीं सामने आया। पहले भी कई बार अभिषेक ने इस तरह अपने ससुराल वालों के बीच अपनी सासू माँ वृंदा का ख्याल रखा। मायके शिफ्ट हुई है ऐश्वर्या, ये बात लोगों के बीच काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, आग की तरह फैली है। ऐश्वर्या की अभिषेक की फैमिली के साथ झगड़े की अफवाहें, बावजूद इसके अभिषेक अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे। फ्रस्ट्रेटेड वो ज़रूर होंगी कि बच्चन परिवार का इस तरह तमाशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ से खुद को पीछे नहीं किया। ना तो वो इनसिक्योर नजर आए अपनी पत्नी ऐश्वर्या को लेकर, और ना ही अपने बच्चन परिवार के मजाक उड़ने से वो लोगों को पलटकर जवाब देते नजर आए। इस तरह से अभिषेक बच्चन के व्यवहार ने लोगों का दिल जीता है। क्या आप सबको मालूम है यही कारण है कि अभिषेक बच्चन को ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड टाउन में जूनियर बच्चन ने भले ही फिल्मी पर्दे पर इतनी सक्सेस ना बटोरी हो, लेकिन फिल्मी पर्दे के पीछे अगर उन्हें बेटर हीरो कहा जाए तो श्वेता सही कहती हैं कि वाकई में उनके भाई सबसे बेस्ट हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपने जाना, नन्ही आराध्या वाकई में काफ़ी बड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा बिग बी ने कि अब उनकी प्यारी सी पोती, प्यारी सी छोटी सी पोती छोटी नहीं रही। अब वो अपने माँ बाप के मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए, अपने माँ बाप के चुनौतियों को समझने लगी है, मुश्किलों को समझने लगी है। अब वो उनकी दोस्त बनने लगी है, बेटी से दोस्त बनने लगी है। इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।